ईद अपनों के संग मनाने के जतन, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, बस अड्डों पर रश ही रश, कहीं टिकट्स नायाब तो कहीं ओवरचार्जिंग की शिकायत। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले परदेसी कार शिकायत के अंबार लगा दिए, महकमा ट्रांसपोर्ट ने चेकिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया। लिया जाना है, टिकट मिल नहीं रहा, घंटा हो गया खड़े। कल भी मैं आया हूँ, लारी अड्डा गया हूँ पहले, फिर अब्दुल्ला टर्मिनल पे, फिर रैबर पे, फिर इधर, कहीं की सीट नहीं दे रहे। आज फिर मैं फिर रहा हूँ, कोई टिकट नहीं मिला। परदेसियों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन, ओवर चार्जिंग करने वाले दो ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल ने ओवर चार्जिंग पर 3 गाड़ियों को थाने बंद कर दिया। सेक्रेटरी DRTA खालिद महमूद सिंधु कहते हैं कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है, ओवर चार्जिंग ओवरलोडिंग की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। परदेसियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी, कराची और क्वेटा जाने और आने वाली ज्यादातर ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकट्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना, रेलवे इंतजामिया का रश के पेश नज़र ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस लगाने पर गौर। कराची और क्वेटा से लाहौर आने वाली मुतादे ट्रेनें घंटों तखीर का शिकार, खैबर मील एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, तेजगाम, पाक बिजनेस एक्सप्रेस कई घंटे लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। IG पंजाब की ज़ेर सदारत ईद सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास, जुमतुलविदा, चांद रात और ईद इज्तिमात के सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग। जुमतुलविदा को 40,000 से जायद अफसरान अहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, चांद रात को 19,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। ईद पर वन व्हीलर्स, हुलरबाजी, तेज रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। ईद उल फितर से कबल और तीनों आयाम में भरपूर एक्शन लिया जाएगा। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शे को बंद किया जाएगा, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने अहकाम जारी कर दिए। पंजाब के सियासी मंजरनामे पर नई हलचल, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी न करने का फैसला, नून लीग की क़यादत का कहना है कि 14 मई को इलेक्शन के हवाले से नून लीग का मौकफ वाज़ेह है। लाहौर के इंतखाबी मैदान के लिए PTI के खिलाड़ी फाइनल, डॉक्टर यास्मिन राशिद को PP 173 से टिकट जारी कर दिया गया। मियाँ असलम इकबाल को PP 170 से टिकट मिल गया। मियाँ महमूदुर रशीद PP 168 से फाइनल उम्मीदवार, मियाँ इबाद फारूक PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। अली अब्बास को PP 154 से टिकट जारी किया गया। मियाँ अकरम उस्मान को PP 169 से टिकट दिया गया। डॉक्टर मुराद रास, शबीर गुज्जर, मलिक जहीर अब्बास खोखर टिकट से महरूम। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया। उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक पार्टी टिकट जमा करा सकते हैं। ईद की तातीलात के दौरान जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का डर, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से पुलिस को जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन न करने का हुक्म देने की इस्तदा। हाईकोर्ट में मई और जून में मुकदमात की समाप्त के लिए जजेस का रोस्टर जारी, प्रिंसिपल सीट पर 27 सिंगल बेंच और 13 डिवीजन बेंच केसेस की समाप्त करेंगे। इमरान खान के केसेस की समाप्त करने वाले जस्टिस तारिक सलीम शेख को 2 माह के लिए मुल्तान बेंच भिजवा दिया गया। इमरान खान के नाअहली के खिलाफ केसेस की समाप्त करने वाले लार्जर बेंच के सरबरा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को रावलपिंडी बेंच भिजवा दिया गया। अली अमीन गंडापुर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जमान पार्क तोड़ फोड़ पुलिस तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत की PTA रहनुमा को 4 मई को दोबारा पेश करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का ताला दरबार आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए अहम इकदाम, ताला दरबार की 13 बरस से बंद पार्किंग को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का हुक्म। करबला गामे शाह मोड़ से ताला दरबार आने वाली ट्रैफिक को वन वे करने का उसूली फैसला। मोहसिन नकवी ने मज़ार की तौसी और रीडिज़ाइनिंग के लिए प्लान भी तलब कर लिया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खानपुर से बाज़याब बच्चों की मुलाकात। वालिदैन ने बच्चों की बाहिफाजत बाज़याबी पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी तफ्तीशी टीम का शुक्रिया अदा किया। अगवा के बाद 24 घंटे में बच्चे बाहिफाजत बाज़याब कराने पर DPO रहीम यार खान और तफ्तीशी टीम के किरदार को भी सराहा गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर फैमिली ट्रेसिंग टीम का अहसन इकदाम। ब्यूरो की फैमिली ट्रेसिंग टीम ने कमालिया के साथ गुमशुदा बच्चे को वालदैन तक पहुंचा दिया। सारा अहमद कहती हैं कि फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन में गुमशुदा बच्चे के लवाहकीन को कमालिया में तलाश किया। गुमशुदा बच्चा तकरीबन 6 माह तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में कॉन्फ्रेंस, जेर इल्तवा पेंशन केसेस इंक्वायरीज और महकमों में तरक्कियों के लिए खाली आसामियों बारे ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी की मुलाजमीन की तरक्कियों और पेंशन के इजरा के अमल को तेज करने की हिदायत। मजदूर कार्ड का मंसूबा ठप, लाखों मजदूर कार्ड से महरूम। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की इंतजामिया ने नए कार्ड्स की तैयारी का काम भी रोक दिया। वर्कर्स के लिए खाने पीने समेत मुख्तलिफ सर्विसेज पर 45% तक रियायत देने का ऐलान किया गया था। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जिले सदारत LWMC और PHA का ब्रीफिंग इजलास। कमिश्नर लाहौर ने शहर की सफाई और सरसब्ज और खूबसूरत लाहौर पर जामे ब्रीफिंग तलब की थी। कमिश्नर की कूड़ा उठाने के औकात कार कंटेनर्स पर रखने की हिदायत। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों पर जराइम पेशा अफराद को पकड़ने का कंप्यूटर सिस्टम लगाने का आगाज। सिस्टम से सड़क पर चलने वाली किसी भी गाड़ी के चोरी शुदा या क्लियरेंस बारे मालूम हो जाएगा। चोरी और रिकॉर्ड में तहरीफ शुदा गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट्स की फौरी शनाख्त से मुजरिमान की गिरफ्तारी होगी। मनावा में ट्रैफिक कांस्टेबल्स की तरक्की के लिए बी लिस्ट का इम्तिहान जारी। बी लिस्ट इम्तिहान में 153 ट्रैफिक कांस्टेबल्स की शिरकत। मेरिट पर पूरा उतरने वाले अहलकारों को अगले रैंक पर तरक्की दी जाएगी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान कागजों की हद तक महदूद। ऑरेंज ट्रेन की इमलाक को आउटसोर्स करने का फैसला अमल दरामद का मुंतजर। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को गवर्निंग बॉडी की जानिब से ताहाल मनसूबे को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का तजावजात न हटाने पर DGLTA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। LDA को चीफ ट्री अफसर लगाने की हिदायत। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से पौधे लगाने का प्लान भी तलब कर लिया। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल बारिश की पेशगोई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। Thank you.